मजाक बन रही है। मुझे तो मुख्यमंत्री जी जो नए बने हैं, मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी जब नए बने मुख्यमंत्री जी। पहली बार MLA बनना, मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ उनको एक प्रकार से अवसर मिला है। तो कम से कम उसी दृष्टिकोण से उनकी पार्टी हाईकमान को इनके साथ में न्याय करना चाहिए। मुख्यमंत्री बनाने एक बात है, पर जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है, हर चीज़ का आप रिमोट कंट्रोल चला रहे हो, चीफ सेक्रेटरी हो, DG पुलिस का VRS ले लिया, तो बहुत भले आदमी थे जिन्होंने ले लिया, VRS ले लिया, वरना वो 8-9 महीने और रहते अब यहाँ पर, उनको VRS ले लिया उन्होंने मान लीजिए, और 15 पीछे लगा दिए मंत्रिमंडल गठन के अंदर। चलो कोई बात नहीं, अब आप बताइए 7 दिन हो गए मेरे ख्याल में, 7 दिन हो गए हैं, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे हैं, ये तो मजाक होगी ना। मतलब शुरुआत कैसी हो रही है राजस्थान के अंदर, फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन वाली बात है। आप क्या इम्प्रेशन देना चाहते हो, आपकी दादागिरी चल रही है, जो हम कहते हैं बोल चाल दादागिरी, ये BJP के हाईकमान की दादागिरी है। और बगैर प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के पत्ता नहीं हिलता है, इसका मतलब खाली नड्डा पे दोष नहीं जाता है, इसका मतलब नंबर 1 नंबर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे अमित शाह जी, दोनों दोषी है जिन्होंने राजस्थान की दुर्गति कर दी है। आज 3 तारीख को परिणाम आ गए थे, 3 तारीख क्या हुई है बता दीजिए, 1 महीना हो गया, ज़्यादा हो गया, आप बताइए क्या मैदान नहीं गए, जनता क्या सोच रही होगी, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहे लोगों को, मंत्रियों की दुर्गति हो रही है, कोई लोग कह रहे हम तो जाते नहीं रूम के अंदर, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा हम लोगों को, कोई अच्छे समय जा रहे हैं खाली फोटो हटा रहे हैं, वहाँ पर गांधी जी हटा दो, अम्बेडकर जी हटा दो, गुरु गोलकर साहब भी लगा दो, लगाओ कुछ भी करो, शासन तो शुरू करो कम से कम, गवर्नेंस देना शुरू क्यों नहीं कर रहे हो, अभी मुख्यमंत्री को सीखने में क्या टाइम रहेगा, होना तो यही चाहिए था एक्स्ट्रा तरीके से इनकी हौसला भी हो, इनको सलाह दी जाए सीनियर नेताओं द्वारा, और किसी ढंग से अच्छी गवर्नेंस हो। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहने की कोशिश करूँगा।